जो शायद आपको थोड़ा और अच्छा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब होते हैं? शुरू हो जाइए, चलो शुरू हो जाइए इस एग्जाम्पल के लिए। हाँ बेटा, कई लोगों ने ठीक आंसर दिया इसका। इसका आंसर बिल्कुल 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, बिल्कुल ठीक। अब कितने लोगों को लगता है कि ये मैं बताऊं, मैं ये थोड़ा सर बताए, कितने लोगों को लगता है मैं? आप उसी तरीके से चलिए, वही फॉर्मूला यूज करिए, बिल्कुल आएगा, कुछ करना ही नहीं है। हाँ, इसमें मैं डायरेक्ट तरीका जरूर बताना चाहूंगा, इसको डायरेक्ट तरीके से बताना चाहूंगा, ठीक है? वो तरीका है पेपर में, तो बेटा वही तरीका करना है। पहली यूटी में तो डायमेंशनल मेथड से ही आएगा, डायमेंशनल मेथड। अब मैं आपको एक होशियारी वाला मेथड दिखाता हूँ, डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्टली वो भी बेटा सीख लो, अभी काम में नहीं आएगा लेकिन बाद में काम में आएगा। बाद में देखिए, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये लिख रहा है ना। अब आप क्या करिए, 5 1 5 × 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये कर लिया, कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको ग्राम नहीं किलोग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम में 10⁻³ होता है। पहले इतना कर दिया, 1 ग्राम में इतने केजी होते हैं, ये पता होना चाहिए। अपॉन, सुनो तमीज से, अब आपको सेंटीमीटर की जगह मीटर चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक। और सुनो 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 एक चीज और, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर पर क्यूब है, समझ रहे हो? 1 सेंटीमीटर पर क्यूब है, और 1 सेंटीमीटर में 10⁻²⁰ मीटर मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर। तो अब मैंने इस 1 सेंटीमीटर को 10⁻²⁰ लिख दिया, लेकिन उस पर पावर तो 3 है ना। अब आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, देखो किलोग्राम, देखिए मैं मदद करता हूं, 5 की जगह 5 × 10⁻³ kg। अब जब ये क्यूब जाएगा, वो यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, ये क्यूब जब यहां जाएगा तो 10⁻⁶ होगा, और ये क्यूब जब यहां जाएगा तो मीटर क्यूब होगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 5000 आ रहा है। ये लंबा वाला तरीका के साथ साथ आपको ये शॉर्टकट भी आना चाहिए, सीरियसली शॉर्टकट भी आना चाहिए। ये वाला मेथड जो आपने खुद से किया होगा, ये आपको नंबर दिलाएगा, नंबर तो यही दिलाएगा, लेकिन बाद में जैसे इस यूनिट से तलाक होगा आपका, उसके बाद यही आपको स्पीड दिलाएगा। चलिए, होप ये समझ, आज के बाद जो भी आप इस मेथड के सवाल करोगे तो मेरे से एक सजेशन ले लो, ऐसे भी करना है और ऐसे भी करना है प्रैक्टिस के लिए। सेंटीमीटर का होल क्यूब क्यों हुआ, देख यही तो समझा रहा हूं मैं, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पहले 1 को लिखो, है ना, ये 1 ग्राम और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो हुआ। अब सुनना, तुम्हें सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, तो एक मिनट सुनना रिद्धि, ये ठीक, ये सेंटीमीटर आप ऐसे चढ़ाना चाहते हो, मान लो इतना तो मानोगे रिद्धि कि सेंटीमीटर पर क्यूब है, इतना तो मानोगे सेंटीमीटर पर क्यूब है, बोलो इतना तो मानना पड़ेगा सेंटीमीटर पे, ठीक है? और जिसका कोई नहीं होता, ये वाला 1 जिसका कोई नहीं होता, उसका 1 तो होता ही होता है ना, भगवान 1, तो ये 1 सेंटीमीटर तो फिर भी है ही है, ये सेंटीमीटर नहीं, ये 1 सेंटीमीटर तो फिर भी है ही है। अब जब आप कन्वर्जन करोगे तो सेंटीमीटर में, देखो मैं आपसे पूछूं सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, बताओ सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाँ, इसका जवाब जरूर कोई दे देगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसका जवाब तो जब भी दे देगा। तो अभी बोलो, तो ये सेंटीमीटर नहीं होते, ये 1 सेंट 1 तो सबके साथ, मतलब 1 सबकी गर्लफ्रेंड है, 1। हाँ सर, बट फर्स्ट स्टेप में, अच्छा एक मिनट, ब्रैकेट क्यों लगाया ये वाला, ये तो ये बताओ, ये क्यूब है किस पर, ये क्यूब है किस पर रिद्धि, ये बताओ ये क्यूब है किस पर, फिर ये बताओ, सेंटीमीटर पर ही तो है, तो सेंटीमीटर पर ही तो क्यूब है। अब बताओ, अब आपको करना क्या पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, डायरेक्ट मेथड में सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो अब
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, कैसे करोगे? चलो आगे समझ में, ठीक, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए तो फिर एक और सवाल आपको, अब वो मैं बता रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं, सुनिए। कभी कभी सवाल इस रूप में, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए। सवाल ये है कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स। अब इसमें आपको स्किल भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, ये नॉलेज और स्किल दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है ये। अब देखिए सॉल्यूशन सुनेंगे, क्वेश्चन ये है सॉल्यूशन। अभी तक जो मैंने पिछले एग्जांपल कराए थे उसमें मैंने ये बोला था, आपको ये नहीं पता चल रहा ये स्पीड है तो भी सवाल हो जाएगा, आपको ये पता ही नहीं चला साली ये डेंसिटी है तो भी, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए न्यूटन है क्या, कलेश क्या है न्यूटन, ये पता होना चाहिए क्या है न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट है। डायन क्या चीज है ये पता होना चाहिए, डायन न्यूटन को फोर्स की सीजीएस यूनिट है, यानी सबसे पहले तो ये पता इसमें कंपलसरी है कि ये फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन लिख दीजिए, लिख दी डायमेंशन, जैसे ही डायमेंशन लिखी तो बताइए ए कितना है, जल्दी बताओ ए कितना है, टाइप करके बताओ ए, 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 जल्दी बताओ ए कितना है, हाँ जी बेटा 1, बी कितना है 1, और सी कितना है -2, कितना लिख दिया सी की वैल्यू -2 दिया, क्यू क्यू क्या जवाब, मतलब क्यू क्या मुझे आंसर दे रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यू मैं किस क्यू का जवाब दूं, दिया झटका दे दिया जल्दी, अच्छा मिस्टेक, अच्छा अब आज ये इतना समझ में आ गया। इसके बाद फिर मैंने आपको ये U1 की लिस्ट बनानी है और U2 की बनानी है, यही तो बताइए U1 M1 L1 T1 CID लगाएंगे, M2 L2 T2 बताओ, M साला पता ही नहीं चल रहा, L पता ही नहीं चल रहा, लेंथ क्या है इसमें मीटर सेंटीमीटर पता ही, T दिख ही नहीं रहा, दिखेगा नहीं, पता होना चाहिए कि न्यूटन इस बार जो यूनिट बने वो ऐसा यूनिट है, पता होना चाहिए कि यूनिट ऐसा यूनिट है ये, और पता होना चाहिए ये U2 है, ये जो हम दूसरी यूनिट यूज कर रहे हैं ये CGS यूनिट है, ये नॉलेज, तभी मैं कह रहा था ये नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चन है। अब जैसे ही पता चल गया कि ये यूनिट ऐसा ही है, तो ऐसा ही यूनिट में बताइए मास का रोल 1 kg, मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट 1 मीटर, और टाइम की यूनिट 1 सेकेंड होती है। जैसे ही हमें पता चला ये सीजीएस यूनिट है, तो मास के लिए 1 ग्राम आएगा, लेंथ के लिए 1 सेंटीमीटर आएगा, और टाइम के लिए 1 सेकेंड आएगा ये, और बता दो N1 कितना है, N1 है 1, और N2 आपको निकालना है, बस अब आप आगे कर जाओगे, अब तो कर जाओगे, अब वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे थे, तो चलिए जैसे करते आ रहे थे वैसे ही कर रहा हूं, समझ में आ गया। यहां इस बार लिस्ट इस बात से, इस नॉलेज से बनी कि न्यूटन ऐसा ही यूनिट है, इस नॉलेज से बनी, वरना दिख तो है ही नहीं रहता, ये दिख ही नहीं रहता कि मास के लिए क्या यूज हो रहा है। अब आज ये, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट यानी ये N2 अभी ढूंढते हैं, लेके आते हैं, बताइए N1 कितना है 1 है ना, M1 और M2 1 kg 1 ग्राम, 1 kg 1 ग्राम पावर आएगी ए, ए फॉर 1 है यहां, 1 लिखो लिखो मत लिखो, लेंथ 1 मीटर 1 सेंटीमीटर ओके, फिर पावर बी यानी 1, T1 T2 1 सेकेंड, दोनों में 1 सेकेंड, पावर -2, होप आपको ये पल्ले पड़ पा रहा होगा, हाँ बेटा 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना सिखाया है, कोशिश करो ये कटे, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, नीचे फिर नीचे वाले को मत कन्वर्ट करो, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे 1 सेंटीमीटर, पावर 1, और ये तो कट गया 1, और पावर -2, इसमें ग्राम कट गया इसमें सेंटीमीटर, तो इधर ये 1 है ये वाला, ये 1000 खोल के देगा, ये 100 खोल के देगा, और वो 1 देगा, तो ये आ रहा है बेटा 10 to the power 5, N2 इक्वल टू 10 to the power 5 आ रहा है। फाइनली जो हम लिखेंगे 1 न्यूटन में 10 to the power 5 डाइन्स होते हैं, 5 डाइन्स, होप कि आपको पल्ले पड़ा, जल्दी से बेटा हाँ टाइप करो यदि समझ में आया हो तो।
फिर मैं एक डायलॉग बोलूंगा ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब डेड डेड डेड, समझ में आ रहा है? अच्छा यानी बढ़िया पढ़ा लेता हूँ मैं, है अच्छा पढ़ा लेता हूँ। अच्छा अब आपको ये पता चल गया ना कि हीरो जैसा दिखने वाला बंदा जरूरी नहीं उसकी फिजिक्स खराब हो, हीरो जैसा दिखने वाले बंदा जरूरी नहीं कि उसकी फिजिक्स खराब हो, स्मार्ट बंदों की भी फिजिक्स ठीक हो सकती है। वो सलमान खान ने साला रायता बिखेर दिया है, वो अलग लेवल की फिजिक्स ले जाता है, फिजिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है चलो अब आ जाओ इसमें डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करवाऊं बेटा, इसमें देखना चाहोगे डायरेक्ट मेथड? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इसमें वो दूसरा वाला मेथड देखना चाहोगे? डायरेक्ट मेथड नहीं देखना चाहोगे? कैसे करेंगे उस डायरेक्ट मेथड को? अच्छा देखना चाह रहे हैं तो देखिए बेटा इधर, और डायरेक्टली एक न्यूटन, सच्चाई ये न्यूटन तो हमने कपड़े पहना दिए, ये था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद आया कुछ नहीं याद आया कि इतनी लंबी यूनिट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी लंबी यूनिट से बचने के लिए एक सिंबल इशारा कर दिया था, न्यूटन वो इशारा है। 1 सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे सेकंड स्क्वायर को नीचे लिख लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सीजीएस में जाना है, इसका मतलब किलोग्राम को ग्राम में ले जाना है, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है, और सेकंड को सेकंड भी रहने देना है। तो सुनो बेटा, 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकंड स्क्वायर। सब लोग पहले ये देखो, 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई डिवाइड में घुसेड़ लो, 1 तो कितनी बार भी घुसा दो 1 को। ये देखो अगला स्टेप, अगला स्टेप 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकंड स्क्वायर। जल्दी बताओ, हो गया काम? बस हो गया, बताइए 1 kg में 1000 ग्राम, सॉरी क्या कर रहा हूं, 1 kg में 1000 ग्राम, क्योंकि आपको टारगेट पता है सीजीएस में जाना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकंड कन्वर्ट नहीं करना, सेकंड को सेकंड भी रहने देना है। तो बताओ 1000 और ये 100 कितना हो गया, ये 10 to the power 5, यहां ग्राम बच रहा है, यहां सेंटीमीटर बच रहा है, और यहां सेकंड बच रहा है स्क्वायर, इतना। और जैसे ही आपने लिखा, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, कहां देखा था यार, ओ हाँ ये तो डायन है, अरे हाँ ये तो डायन है, अरे हाँ ये तो डायन है। बोलो ये डायरेक्ट मेथड भी समझ में आया? डायन, लड़कों पे पिक्चर बनती है, एक था टाइगर, जब लड़कों का नाम दिया जाता है एक था टाइगर, और जब लड़कियों का टाइटल चला जाता है एक थी डायन। अब बेटा ये जोक्स है, ऐसे लड़कियां दिल पे मत ले लेना, ठीक है, एक थी डायन, ठीक है। एक और भूत, भूत पे यकीन करते? भूत भूत कुछ नहीं होते, हाँ चुड़ैल जरूर होती है, नहीं भूत भूत कुछ नहीं होते लेकिन चुड़ैल जरूर होती है, ऐसा सुना है मैंने। चलिए अब आ जाइए, आज की क्लास यही खत्म करते हैं एक होमवर्क के साथ, एक होमवर्क के साथ मैं एक होमवर्क दे रहा हूं अपनी तरफ से, बाकी फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस खेलेंगे। आप अपनी तरफ से 2-4 एग्जाम्पल और ढूंढ लेना। तो मेरा होमवर्क क्वेश्चन है, 1 joule इक्वल टू हाउ मैनी अर्ज, 1 joule इक्वल टू हाउ मैनी अर्ज, ठीक है कि अभी करोगे? चलो अभी करो, कोई होमवर्क नहीं, अभी करके दिखाओ, जब तक मैं ये, जल्दी से करो जल्दी, सब शिट गलत जवाब, कोई बात नहीं, ऐसे मत लिख अक्षरा, मैं कैसे गिनूंगा ये 0, पावर में लिख अक्षरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ इच्छा, ठीक है बिल्कुल अक्षरा आप ठीक है। हाँ तो इसका सही आंसर है 10 to the power 7, 1 joule equal to 10 to the power 7। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, कमेंट सेक्शन में डेड डैश लिखो, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बेल आइकॉन यहाँ पर कुछ नहीं जो जो है नहीं। बाय बेटा, ठीक है, मेहनत करिए, पढ़िए, लगन दिखाइए, ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी मैंने, कर दी थी रिकॉर्डिंग, कर दी थी बेटा।